आजा मेरे माही तेरी याद आ गई हल्की हल्की सी। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का वीडियो उनके लिए होने वाला है जिनको सिर्फ काइन मास्टर से ही कलर ग्रेडिंग एंड स्काई ग्लो करना है। तो ये टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये वीडियो लाना पड़ा क्योंकि आप सब लोग बोल रहे थे। इसलिए थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बोला था कि कैसे आप भी मेरे वीडियो के जैसा कलर ग्रेडिंग एंड स्काई ग्लो एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि नोट वीडियो ऐप से कलर ग्रेडिंग एंड स्काई ग्लो एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैं ये काइन मास्टर से एकदम इजी तरीके से कलर ग्रेडिंग करना सिखाने वाला हूँ। तो इसमें नोट वीडियो जैसा तो नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ा कम लेवल का हो जाएगा। और एक चीज़ है कि मैं अपने ट्यूटोरियल वीडियो पे ठीक से वॉइस ओवर भी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी आप सब लोग उसे सपोर्ट करते हो, उस वीडियो को देखते हो, तो उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन से टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके बता देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको अपने क्लिप को ऐड कर लेना है जिस पे आप कलर ग्रेडिंग एंड स्काई ग्लो ऐड करना चाहते हो। तो मैं तो पहले से ऐड करके रखा हूँ, आप भी ऐड कर लेना। ऐड हो जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके अपने वीडियो में जो कलर ब्राइटनेस वो सब है ना, उसको एडजस्ट करना है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको सिंपली क्लिप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एडजस्ट करने का सब ऑप्शन दिखे जाएगा। तो सबसे पहले ब्राइटनेस उसको हम माइनस करेंगे, -7 या 6 रखते हैं। दूसरे नंबर पे कॉन्ट्रास्ट उसको प्लस करेंगे, अरे हो जा, +10 रखते। सेचुरेशन को भी +10 या 11 कर देते। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमको दिखता है शेडो का ऑप्शन, शेडो को भी हम माइनस कर देंगे। और आपको सबसे लास्ट में चले जाना है, लास्ट में आपको दिखेगा HUE का ऑप्शन, उससे आपके वीडियो में थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। तो उसको आपको अपने वीडियो के हिसाब से रखना है। तो मैं रखता हूँ 80, ये सही लग रहा है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो पे स्काई ग्लो ऐड करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली ये स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे एफएक्स का ऑप्शन दिखेगा 3rd नंबर पे, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो आपको 3rd नंबर पे दिखेगा ब्लेज इफेक्ट, उसको आपको डाउनलोड कर लेना। मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ तो ये आपको दिखाने के लिए था। तो डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाते ही आपको आपने जो डाउनलोड किया होगा ना ब्लेज इफेक्ट वो दिख जाएगा। तो उस पर क्लिक करना है और उसको आपके वीडियो में अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको उसको अपने पूरे वीडियो में ऐसे खींच के पूरे वीडियो में फैला देना है। तो ये हो जाने के बाद आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आपका स्काई एंड कैरेक्टर दोनों सही तरह से दिख रहा हो, तो ये जगह परफेक्ट है। तो यहाँ आने के बाद आपको वो इफेक्ट वाली लाइन पे क्लिक करना है ब्लेज पे। तो ये क्लिक करने के बाद आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखेगा और बीच में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में दिखेगा नंबर ऑफ रेज, उसको आपको कर देना है 10 पूरा। दूसरे नंबर पे है अमाउंट। अमाउंट से क्या होता है, आप जितना या ज़्यादा रखोगे इतना ज़्यादा ग्लो हो जाएगा। तो उसको हम रखेंगे 23 या 24। और 3rd पे दिखेगा लाइन स्ट्रेच, उसको हम 45 कर देंगे। तो ये मैं कर दिया हूँ। और ये मोड वाले ऑप्शन से आप ग्लो का कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 ही रखें, 2 नंबर वाला ही। फिर आपको दिखेगा स्पीड का ऑप्शन, उसको आपको माइनस कर देना है। तो ये मैं स्पीड को माइनस कर दिया हूँ। फिर आपको दिखेगा एंगल, उसको भी आपको पूरा माइनस कर देना है। फिर स्पीड एंगल उसको भी माइनस कर देना है। अब
लास्ट में आपको 3 दिखेगा, तो फिल्टर वाला उसको आपको पूरा 50 कर देना है और ब्लर उसको भी आपको 100 कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में ब्राइटनेस का ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको रखना है 3 या 4। आप चाहो, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा चाहिए ग्लो तो आप 4 रख सकते हो, वरना आप 3 भी रख सकते हो। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे बैक कर लेना है और आपको वो इफेक्ट पे क्लिक करना है और इफेक्ट को पूरे वीडियो पे ऐसे अप्लाई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा दिखेगा आपका वीडियो। अभी मैं प्ले करूँगा तो लैग बहुत होगा, लैग बहुत हो रहा है तो इसलिए प्ले नहीं कर रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको वीडियो को सेव कर लेना है हाई क्वालिटी पे। तो ये मेरा वीडियो सेव हो रहा है। ये इस टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। काइनमास्टर पे वीडियो सेव हो जाने के बाद आपको 3D लूट ऐप को ओपन कर लेना है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एकदम फ्री है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा और आपको क्या करना है, आपको ओपन गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है ना नीचे, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना वीडियो जो आपने काइनमास्टर पे एक्सपोर्ट किया है ना, उसको ऐड कर लेना है। तो ये मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, तो उसको ऐसे क्लिक करके पॉज कर लेना है। पॉज करने के बाद आपको ऊपर 2 ऑप्शन दिखेगा, बेसिक एंड लूट, तो दूसरे वाले ऑप्शन लूट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, इसमें भी आपको नेट ऑन रखना पड़ेगा। तो ये टॉप 25 है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे बहुत सारे इफेक्ट दिखेंगे, लेकिन मेरा फेवरेट वाला ये F6990, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका वीडियो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे ये लाइन है ना, उसको आप खींच के थोड़ा नीचे कर लो, ताकि थोड़ा वीडियो सही से हो जाए। तो ये मैं कर लेता हूँ। बस इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से बेसिक वाले पे आ जाना है। तो ये बेसिक वाले पे आने के बाद आपको नीचे ब्लैक का ऑप्शन दिखेगा, ब्लैक के ऑप्शन पे जाके आपको उसको थोड़ा नीचे खींच लेना है, तो आपका वीडियो पे डार्क लुक भी आ जाएगा। और अब वीडियो चलाऊंगा तो ये लैग बहुत होगा, तो इसलिए वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और मेन बात, आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपके गैलरी में शो नहीं होगा, क्योंकि ये ऐप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या मेरे में प्रॉब्लम चल रहा है, ये मेरे को भी नहीं पता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो सेव करने के बाद आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है और वहाँ जाके सर्च करना है 3D लूट ऐप। तो 3D लूट ऐप नाम से एक फोल्डर बना होगा, तो उसमें आपका ये वीडियो होगा जो आपने एक्सपोर्ट किया है ना वो। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको आपको मूव करके दूसरे कोई भी फोल्डर पे ले लेना है, तो आपका वीडियो फिर गैलरी में शो करने लगेगा।